नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटेटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी ये न्यूज बिहार से आ रही है और ये बहुत बड़ी न्यूज है। बिहार में 9000 सहायक प्रोफेसरों की बंपर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है और इसकी प्रक्रिया मार्च से प्रारंभ होगी। अब इसके डिटेल न्यूज में हम देख लेते हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में 9000 पदों पर सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। शिक्षा विभाग के आग्रह पर राजभवन ने विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। राजभवन ने कुलपतियों को आदेश दिया है कि जिन विश्वविद्यालयों ने अब तक रिक्तियों की सूची शिक्षा विभाग को मुहैया नहीं कराई है, वो तत्काल ऐसा कर दें। शिक्षा विभाग ने इस माह के अंत तक सहायक प्रोफेसर की नियुक्तियों संबंधी अधियाचना विश्वविद्यालय सेवा आयोग को भेजने का निर्णय लिया है, ताकि मार्च में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सके। उच्च शिक्षा निदेशालय का मानना है कि विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध 6 माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। विश्वविद्यालय सेवा आयोग UGC ने भी 6 माह में सभी खाली पदों को भरने का निर्देश दिया है। अब एक बार इसकी रिक्तियों पर एक नज़र देख लेते हैं। पटना विश्वविद्यालय में 492, मगध विश्वविद्यालय में 1443, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 1199, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय में 380 पद, BRA बिहार विश्वविद्यालय में 1160, मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में 55, जयप्रकाश विश्वविद्यालय में 636, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 596, BN मंडल विश्वविद्यालय में 698 तथा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 826 पद सहायक प्रोफेसरों के खाली हैं। इस तरह से टोटल 9000 पद पे वैकेंसी निकलनी है और इसकी प्रक्रिया मार्च से अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रारंभ हो जाएगी। मित्रों, एक बहुत बड़ी न्यूज है। अगर आपको इस तरह की और न्यूज भी चाहिए हो, कंटेंट चाहिए हो, STD मटेरियल चाहिए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।